वजीराबाद सदर में एक एफ आई आर दर्ज हुई जिसमें उमर इब्ने साद के हवाले से लानत की बुनियाद पे और साफी रसूल लिखा गया था। ये वो एफ आई आर है जो सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है। इस हवाले से गुजारिश ये है कि कायद मिलत जाफिया पाकिस्तान अलामा सैयद साजिद नकवी साहब और बुजुर्ग उलमा के हुक्म पर किबला अलामा हाफिज़ सैयद तालिब रज़ा नकवी साहब, अलामा इश्तियाक कादरी साहब, चौधरी सगीर अब्बास बेग साहब और अकाबरीन का वफद डी एस पी ऑफिस वजीराबाद में आया और डी एस पी साहब ने फौरी तौर पर अमन कमेटी वजीराबाद और गुजरावाला के जो दोस्त हैं तमाम मसाले के उन्हें बुलाया और उस पर ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मौक़िफ था कि उमर इब्ने साद साहबी रसूल नहीं है, अमन कमेटी के तमाम सालक के अकाबरीन ने उलमा ने इस मौक़िफ की तायीद की और तस्लीम किया और एफ आई आर के इखराज के हवाले से उन्होंने तहरीर भी दी तमाम सालक के अकाबरीन ने कि इस एफ आई आर को फौरन खारिज किया जाए। और इसी मौक़िफ को डी एस पी साहब मोहतरम चौधरी सईद साहब ने और एस एच ओ साहब ने तस्लीम भी किया और इसके बाद वो जो बच्चे थे गिरफ्तार वो हमारे हवाले भी कर दिए गए हैं। इस अमल पे हम अमन कमेटी गुजरावाला, अमन कमेटी वजीराबाद के जिम्मेदारान एस एच ओ साहब मोहतरम सलमान साहब, इसी तरीके से डी एस पी साहब मोहतरम बरादर चौधरी सईद साहब के इंतहाई मशहूर हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए इंशाल्लाह ताला पुलिस के साथ मिल के, अमन कमेटी के दोस्तों के साथ मिल के मैदान अमल में मौजूद रहेंगे।